नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी अपने हिंदूवादी नेता के रूप में दुनिया भर में फेमस हैं और नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही हिंदूवादी नेता के तौर पर फेमस नहीं है बल्कि हिंदुओं के लिए काफी कुछ करा भी है, जिसके वजह से आज नरेंद्र मोदी की ऐसी पहचान बन गई। तो आइए देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं के लिए क्या कुछ करा है। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज जो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं के लिए करा है, अबू धाबी और बहरीन जैसे मुस्लिम कंट्री में भी हिंदू मंदिर का निर्माण करवाना कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की एक हिंदू छवि को बरकरार रखता है। दूसरी बात, दुनिया भर के देशों में हमारी प्राचीन सभ्यता की जितनी भी मूर्तियां जो चोरी करके ले गए थे उसे वापस लाने में सहयोग करना, हिंदू मंदिरों को विश्व भर में प्रमोट करना, पुराने मंदिरों को रेनोवेट करके वर्ल्ड क्लास के रूप में तैयार करना, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर और भी कई सारे कॉरिडोर हैं जो आज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए और आने वाले दिनों में और भी धीरे धीरे करके सभी मंदिरों को रिनोवेट करके वर्ल्ड क्लास के रूप में तैयार करना है। इसके अलावा काउ स्लॉटरिंग को भी बैन किया गया है, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी जी की एक कट्टर हिंदू के रूप में छवि बरकरार है। और इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के रास्ते मामला को क्लियर करना, भगवत गीता जैसे बुक को वर्ल्ड लीडर्स को गिफ्ट करना, योगा को विश्व भर में प्रमोट करना, खुले दिल से हिंदू देवी देवताओं को पूजा करना, मिसाइल हो, रॉकेट हो, एक्सप्रेसवे हो, ट्रेन हो इत्यादि सभी चीजों को हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नाम रखना, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जब शुरुआत होता है, जब उसकी फाउंडेशन स्टोन होती है तो उसे हिंदू सनातन धर्म के अकॉर्डिंग पूजा पाठ किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है और उसका उद्घाटन किया जाता है या फिर नींव रखी जाती है। इसके अलावा दुनिया भर के जितने भी हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, इन सभी को सिटीजनशिप देने का काम भी किया, उसके लिए पार्लियामेंट से कानून भी पास कराया गया। चारधाम एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाना, चारधाम रेलवे का निर्माण करवाना, तीर्थ यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाना, 15 से ज्यादा सर्किट बनाना, चाहे रामायण सर्किट हो, महाभारत सर्किट हो, कृष्णा सर्किट हो, ज्योतिर्लिंग सर्किट हो या फिर बुद्धिस्ट सर्किट ही क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए काफी कुछ करा है, जिसके वजह से आज नरेंद्र मोदी जी की ऐसी छवि बन गई है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में प्रमोट करना, धार्मिक रिवर चाहे वो गंगा रिवर हो, यमुना रिवर हो, सरस्वती रिवर हो, इन सभी का अच्छे से क्लीन करने का योजना बनाना, एनसीईआरटी बुक में हिंदू राजा महाराजाओं की गौरव गाथा को इंक्लूड करना, कुंभ और दिवाली को विश्व स्तर पर धूमधाम से सेलिब्रेट करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं अपनी छवि को बरकरार रखती। हिंदू धार्मिक स्थलों को आज की डेट में एक एक करके पूरी तरह से रेनोवेट किया जा रहा है और आने वाले समय में सभी के सभी एक वर्ल्ड क्लास के रूप में, एक धार्मिक प्लेस के रूप में, एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभर कर आएगा, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति दुनिया के सामने आएगा। नरेंद्र मोदी जी की हेल्प से योगी आदित्यनाथ जी ने पुराने शहरों का नाम बदला, जैसे फैजाबाद से अयोध्या करना, मुगलसराय से पंडित दीनदयाल करना, अलाहाबाद से प्रयागराज करना और ऐसे कई शहर हैं जिसके नाम चेंज किए गए। इसके अलावा दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स जब भी भारत आए, ताजमहल की जगह मंदिरों में ले जाए गया, जो कि पहले के गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता था। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी की एक हिंदूवादी नेता एक कट्टर हिंदू के रूप में छवि बन गई है। बट ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए कुछ करा है, बल्कि मुझे लगता है कि सभी देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए सभी चीजें कर रही है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो कहीं ना कहीं आज हमारे भारत पहले के मुकाबले कई तेजी से विकसित हो रहा है, चाहे वह सड़क परियोजना हो, रेलवे परियोजना हो, पोर्ट का विकसित करना हो, लॉजिस्टिक सेक्टर हो या फिर स्मार्ट सिटी ही क्यों ना हो, हर एक फील्ड में काफी तेजी से विकसित हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आज हम दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हैं, मेक इन इंडिया में काफी कुछ चेंजेस आया है और कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर भारत के रूप में वंदे भारत ट्रेन आदि को भी बना रहे हैं। इसके अलावा एनआरसी सीए जैसे कानून लाना, आर्टिकल 370 को रिवोक करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना शामिल है। नरेंद्र मोदी जब से लीडरशिप में आए तब से हमारे देश पूरे विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाना, विश्व के सबसे ऊंचे स्टैचू का बनाया जाना, विश्व का सबसे ऊंचा टनल बनाया जाना, विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया जाना, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाना शामिल है। आने वाले समय में और भी कई सारी ऊंचाइयां और कई सारी उपलब्धियां शामिल होने वाली है। ऐसे में आप इस चीज को, नरेंद्र मोदी जी की इस कामयाबी को, इस हिंदूवादी हृदय सम्राट के रूप में कैसे देखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर कुछ छूट रहा हो तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि सारी चीजें
कवर करने की कोशिश करिए, बट फिर भी अगर कुछ छूट रहा हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। फिलहाल आज का वीडियो मेरा यहीं पेंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।